तीसरे वर्ल्ड वॉर की तैयार हो रही है पटकथा। दुनिया में रूस, यूक्रेन और इसराइल हमास की जंग से तनाव चरम पर है। जंग के मंडराते बादल के बीच परमाणु युद्ध की आशंका गहराती जा रही है। अचानक से बड़ी तेजी से दुनिया में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनका संकेत सही नहीं है। रूस के खिलाफ अमेरिका और पश्चिमी देशों ने घेराबंदी तेज कर दी है। रूस के चारों तरफ नेटो और पश्चिमी देश परमाणु पनडुब्बियों और मिसाइलों का जखीरा बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ रूस की सबसे आधुनिक घातक परमाणु मिसाइलें भी अमेरिका की चौखट पर पहुंच गई हैं। क्यूबा में रूसी परमाणु पनडुब्बियों का जोरदार स्वागत किया गया है। वहीं अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 24 साल में पहली बार उत्तर कोरिया की यात्रा पर है। उत्तर कोरिया इस समय अमेरिका में दुनिया का नंबर वन दुश्मन है। वहीं दूसरी तरफ ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। किसी भी समय चीन ताइवान पर हमला कर सकता है और इसके जवाब में अमेरिकी सेना जोरदार हमला बोलेगी। बदलते हालातों के बीच एक भयानक युद्ध भड़कने के लिए बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा है। ऐसे में एक भविष्यवाणी ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। भविष्यवाणी के मुताबिक अब तीसरा विश्व युद्ध ज्यादा दिन दूर नहीं है। इसी महीने शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। दुनिया इस समय तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर है और यही कुछ ही दिनों में शुरू हो सकता है। भारत के नास्त्रेदमस कहे जाने वाले एक भविष्यवक्ता कुशल कुमार ने यह दावा किया है। कुशल कुमार ने बताया कि 18 से 29 जून के बीच कभी भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। कुशल कुमार ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि 29 जून दुनिया के लिए खतरनाक दिन है। जम्मू में आतंकी हमले का दिया हवाला। कुशल ने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद फिर से दोहराया है। कुशल ने अपने दावे को सही ठहराते हुए इसके समर्थन में कई घटनाओं का भी जिक्र किया। कुमार ने भारत के जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए एक आतंकी हमले का हवाला दिया। 10 जून की भविष्यवाणी हुई फेल। कुमार ने इससे पहले 10 जून को तीसरा विश्व युद्ध होने की भविष्यवाणी की। हालांकि अब उनका मानना है कि इसकी सबसे ज्यादा संभावना 18 जून को है। इसके साथ ही उन्होंने 29 जून को एक और कयामत का दिन बताया। ये भविष्यवाणी ऐसे समय में की गई है जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में टकराव बढ़ रहा है। इन देशों के बीच टेंशन बढ़ने से होगा वर्ल्ड वॉर। कुशल कुमार ने बताया कि इसराइल और हमास के बीच टेंशन बढ़ेगी। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में तनाव बढ़ने का दावा है। इसके साथ ही चीन, ताइवान, रूस, नेटो के बीच भी जंग छिड़ने से वर्ल्ड वॉर होने की संभावना है।